देख रहे हैं नेक्स्ट नाइट स्पिरिचुअल और मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। हाथ की रेखाएं व्यक्ति की अतीत, वर्तमान और भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में बताती है। सभी के मन में ये जानने की जिज्ञासा होती है कि उसका भविष्य कैसा होगा, वो अमीर बनेगा या नहीं, उसका करियर कैसा होगा, उसे ऊंचा पद मिलेगा या नहीं। जिस तरह की भविष्य की घटनाओं के बारे में जानने के लिए लोग ज्योतिषीय विद्या का उपयोग करते हैं, वैसे ही ज्योतिष की शाखा हस्तरेखा शास्त्र से भी इन सभी सवालों के जवाब आसानी से जाने जा सकते हैं। हस्तरेखा शास्त्र की हाथ की रेखाओं, निशानों, आकृति आदि के आधार पर बताया जाता है कि व्यक्ति का भविष्य कैसा होगा। कुंडली में राजयोग की तरह हाथ की रेखाएं, निशान और खास चिन्ह भी जातक की हथेली में राजयोग बनाते हैं। राजयोग जातक पर माँ लक्ष्मी की अपार कृपा होने का संकेत देते हैं, साथ ही उसे खूब धन दौलत का मालिक बनाते हैं। आइए जानते हैं हाथ की कौन सी रेखा चिन्ह जो हाथ में राजयोग बनाते हैं। यदि किसी व्यक्ति की हथेली के बीचों बीच झंडा, बाण, तोरण या शंख का चिन्ह होता है तो वो जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करता है। ये चिन्ह बताते हैं कि ऐसा जातक राजा जैसा जीवन पाएगा, वो अपने जीवन में खूब धन, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा पाता है। वहीं यदि व्यक्ति के हाथ में कोई रेखा मणिबंध से शुरू होकर अनामिका उंगली के बीच नीचे शनि पर्वत तक आए, साथ ही ये रेखा स्पष्ट और कटी फटी ना हो, तो ऐसे जातक पर शनिदेव की असीम कृपा होती है। ऐसे लोग ऊंचा प्रशासनिक पद या राजनीतिक पद पाते हैं, वो अपने जीवन में खूब धन भी कमाते हैं। यदि कहा जाए कि किसी व्यक्ति के अंगूठे पर मछली या सरोवर का चिन्ह हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा अमीर बनता है, खासतौर पर यदि वो कारोबार करे तो उसका कारोबार देश विदेश तक फैलता है, उसके पास कभी भी धन की कमी नहीं होती, साथ ही वो जीवन में खूब सम्मान भी पाता है। जिस जातक की हथेली में हृदय रेखा के सिरे पे त्रिशूल का चिन्ह बने, ऐसा जातक भी समाज में खूब मान प्रतिष्ठा पाता है, उसे भी राजनीति में बड़ा पद मिलने की संभावना रहती है। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट स्पिरिचुअल। नमस्कार।